लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लेकर कब तक पहुंचेंगे? मैडम मुझे वहाँ आने में 10-15 मिनट तो लगेंगे। क्या कहा, 15 मिनट? पहले से ही इतनी देर हो गई है, थोड़ा जल्दी आ सकते हैं क्या? बस आ रहा हूँ मैडम। आप कैब कैंसिल कर दीजिए। ऑटो, अम्बत्तूर चलोगे? बैठिए मैडम। आए नहीं अभी तक दोनों कमबख्त, आने दो, आज उनकी क्लास लेता हूं। हार चढ़ाने के चक्कर में कहीं मुझे ही हार ना चढ़ जाए, इसे यहीं रख देता हूं। गुड मॉर्निंग बॉस, लगता है आज सुबह जल्दी आँख खुल गई। हाँ, तुम्हारे रहते हुए मुझे दुकान खोलनी पड़ रही है। अरे बॉस, ये आपकी दुकान है, हम लोग चाहे टाइम पे आए या ना आए, आप दुकान खोले क्यों रहे? सही बोला भाई, अभी तक तो आदत हो जानी चाहिए। हाँ, सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि तुम दोनों निकम्मों को मैंने यहाँ पर काम देकर सबसे बड़ी गलती कर दी। कहाँ फंस गया मैं? अरे बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे हमें डॉक्टर की डिग्री दे दी है। हम दोनों मिलकर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं। आपके 4,000 रुपए के लिए सुबह 8 बजे से लेकर हमें रात 10 बजे तक गधे की तरह काम करना पड़ता है, एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती। और नहीं तो क्या, इससे तो अच्छा सरकारी दारू का ठेका है सेठ जी, जो 12 बजे खुलता है और 10 बजे बंद भी हो जाता है। काम भी कम करना पड़ता है, ऊपर से किटकिट भी नहीं। बहुत जुबान चलने लग गई है तुम दोनों की। हाँ, इस गुलामी से तो बहुत अच्छी है। लो सुन लो बात, ये करेंगे सरकारी नौकरी। गोपी भाई, आपने बुलाया था क्या? हाँ, प्रकाश प्रकाश, आता हूँ मेरे को। प्रकाश एक काम कर, बोलो ना, अभी ना एयरपोर्ट चला जा। ठीक है भाई। थोड़ी देर में मेरा भांजा अमेरिका से आने वाला है। ठीक है ठीक है। मुझे अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो मैं तो जा नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। मैं उसकी फोटो और फोन नंबर तुझे व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ठीक है, तुम पिक कर लेना उसे। ओके ओके। हे स्टॉप स्टॉप, जरा रुको अंकल, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा, आप प्लीज थोड़ा पानी पी लीजिए। एक गाड़ी आ रही है, मैं देखती हूँ। स्टॉप स्टॉप, रुकिए प्लीज, मदद चाहिए, प्लीज रुकिए प्लीज। ड्राइवर सर, गाड़ी जरा पीछे लेना। ओके सर। नहीं नहीं नहीं, अंकल अंकल, गाड़ी आगे, चलिए उठिए। क्या हो गया? दरअसल अंकल को चोट लगी है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। ठीक है, गाड़ी में बिठा दो। ठीक है, आइए अंकल, जरा बैग दीजिए। थैंक यू फॉर हेल्प। हम कब से कोशिश कर रहे थे पर कोई नहीं रुक रहा था, ये तो अच्छा हुआ कि आप सही टाइम पर आ गए। आपको ये चोट कैसे लगी? चलते चलते आंखों के सामने धुंधला बन जा गया, आती हुई गाड़ी को मैं देख नहीं पाया, वो टक्कर मार कर चली गई, मेरी ही गलती थी। क्या तुम डॉक्टर हो? ऐसा ही समझ लीजिए। कौन सी दूं? Diclofenac, it's a painkiller. लीजिए। सर उत्तरा अभी तक नहीं आई। अभी तक नहीं आई? हाँ सर। ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। ओह नो। हेलो उत्तरा, कहाँ हो तुम? कार में हूँ सर। कार में हो? हाँ सर, वो एक्चुअली ये डॉक्टर बहुत बिजी हैं, तो इन्होंने कहा कि कार में ही मीटिंग कर लेते हैं। क्या तुम सच बोल रही हो? आपको यकीन नहीं हो रहा? ठीक है, जरा एक मिनट रुकिए। भैया जरा एक बार हॉर्न तो बजाइए। सर सुना ना आपने? ठीक है ठीक है, मीटिंग खत्म करके जल्दी से ऑफिस आओ। थैंक यू सो मच। इट्स ओके।
अंकल संभाल कर। मैं ठीक हूँ बेटा, अब चल सकता हूँ। रात को खामे आती है, सुबह चली जाती है, मेरी खुशी अधूरी। आपने जैसा कहा वैसा कर दिया, सारे बॉटल डब्बे सब चमका दिए। कोई और काम है तो बोलो, वो भी करेंगे। मैंने कांच को ऐसा साफ किया कि अपनी शक्ल भी दिखाई दे रही है, तो क्या मैं दवाई की डिलीवरी पे चला जाऊँ? हाँ जानता हूँ जानता हूँ, तुम दोनों आज मुझे मस्का क्यों लगा रहे हो? आज पगार मिलेगी तो जल्दी छुट्टी चाहिए तुम्हें, ताकि जाकर दारू पी सको, है ना? बॉस पिछले 28 दिन से गला सूख रहा है, न पैसे है न दारू है, आज तो कम से कम पीने दो। अरे अरे मेरा बेटा आ गया। hey, मामा जी कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ, तुम कितने बड़े हो गए? देखकर लगता है कि ताड़ के पेड़ से लंगूर लिपट गया हो। यकीन नहीं होता यार कि ये गोरा अमेरिकन इस गंजे का भाजा लग रहा है, जैसे कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म चल रही हो। रुक मैं देखकर आता हूँ। अभी तुम जाओ और जाकर अच्छे से फ्रेश हो जाओ, ठीक है? ओके मामा जी। हाँ ठीक है। अरे बॉस। हाँ ये है कौन? अच्छा ये मेरा भांजा है। अगर ये बात किसी ने साबित कर दी ना तो पूरे महीने की पगार नहीं लूंगा। अपनी शक्ल और हाइट तो देखो बॉस। अरे बेवकूफ, अमेरिका में धूप कम होती है। मतलब आप वहाँ रहोगे तो सफेद भालू हो जाओगे। और क्या बॉस, पुरानी एक कहावत है कि अगर पैसा हो तो कौवा भी हंस बन सकता है, मगर आपको देखकर इस कहावत से ना मेरा तो भरोसा ही उड़ गया है। चल अब ज्यादा दिमाग मत खा और दुकान में जाके बैठ, चल निकल। आ जा रहा हूँ, कोई सुपरमार्केट नहीं खोल के रखा है, एक मक्खी तक तो दुकान में पर नहीं मारती। मार के लाल कर दूंगा। हाय डैड। हेलो अभी तुम पहुँच गए? हाँ डैड मैं मामा के घर पहुँच गया हूँ। कैसा लगा हमारा गांव, पसंद आया? देखते हैं, शायद पसंद आ जाए। बेटा अभी आर यू ओके? आई विल बी फाइन डैड। आप मेरी इतनी चिंता मत किया करो, जरा गोपी से बात कराना। होल्ड ऑन डैड, मामा जी को फोन देता हूँ। लाओ लाओ। जीजा जी। हेलो गोपी। अगर वो कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे जीजा जी ये क्या बोल रहे हैं आप, ऐसा बोलकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। और वैसे भी ये उसका भी तो घर है, और मैं तो यहाँ पर वैसे भी अकेला ही रहता हूँ, अगर अभी भी यहाँ रहेगा तो मेरा भी अकेलापन दूर हो जाएगा। नहीं वो यहाँ जो कुछ हुआ तुम तो जानते ही हो ना, मुझे बस फिक्र इस बात की है कि वहाँ वो अपने आप को अकेला कैसे संभालेगा, उसका ख्याल रखना। जीजा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। अंकल क्या आप यहाँ किसी को जानते हैं? मेरा यहाँ कोई नहीं है बेटा, बस एक बेटी है। तो फिर आप अपनी बेटी का फोन नंबर दीजिए, मैं उसे अभी कॉल करके बुलाती हूँ। मैं भी उसे पिछले एक महीने से ढूंढ रहा हूँ, ये उसकी फोटो। अंकल बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आखिर ये सब हुआ कैसे? वैसे तो हर रोज शाम को 7 बजे काम करके 8 बजे तक वो घर आ जाती थी। उस दिन फोन करके कहा पापा आज मुझे आने में थोड़ी देरी होगी, फिर 10 बज गए, 12 बज गए। एक महीना हो गया मगर मेरी बेटी नहीं आई, वो कहाँ है कैसी है कुछ पता नहीं। आपने पुलिस पे कंप्लेंट तो की होगी? की थी मैंने, कंप्लेंट की थी, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा मगर मेरी बेटी को ढूंढो, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अंकल आपकी बेटी क्या काम करती थी? गौरव हॉस्पिटल में वो रिसेप्शनिस्ट थी। अंकल आप टेंशन मत लीजिए। हाँ। मुझसे जो भी हो सकेगा मैं करूंगी। हाँ। शुक्रिया बेटी। ये उत्तरा ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ चल रही हूँ। अंकल अब मुझे चलना होगा, किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है बेटी। ये पैसे आपके काम आएंगे? नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, मेरे पास पैसे हैं। ठीक है अंकल मैं चलती हूँ। संभल कर जाना बेटी, बहुत देर हो गई। हाँ चल जल्दी चल। मैनेजर तुम पर भड़का हुआ है, जल्दी जाकर मिल। अभी जाती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून। सर वो डॉक्टर बिल्कुल छेछोरा निकला, देखने में तो फॉरेन का डॉक्टर लग रहा था। मीटिंग खत्म होते ही बाल अच्छे हैं, हाइट अच्छी है, मॉडलिंग क्यों नहीं करती, परेशान कर दिया बिल्कुल। सही बोला ना? सही बोला ना सर, बिल्कुल सही। ठीक है लेकिन ऑर्डर कहाँ है? ऑर्डर कंफर्म्ड है,
कंफर्म है सर। कितने का ऑर्डर है मेडिसिंस के नाम? उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। क्या है कि फॉरेन से वो अभी आए हैं ना, जैसे ही उनका क्लिनिक स्टार्ट होगा ना सारे ऑर्डर हमें ही मिलेंगे सर। हाँ सारे ऑर्डर हमें ही मिलेंगे सर। डॉक्टर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है? सर आप इस तरह से गुस्सा करेंगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। गुस्सा करूंगा तो भूल जाओगी? हाँ तुम्हारी इन झूठी बातों पर मैं विश्वास नहीं करने वाला। मुझे बस ऑर्डर चाहिए। अगर कल तक ऑर्डर नहीं आया तो आज के झूठ के लिए, कल के झूठ के लिए, परसों के झूठ के लिए तुम्हें ये नौकरी छोड़नी होगी। सर डॉक्टर से मिलने के बाद मुझे पता चला कि वो क्लिनिक कुछ दिन बाद खोलने वाले हैं। अब इसमें मेरी क्या गलती सर? चलो माना क्लिनिक नहीं है लेकिन डॉक्टर तो है ना? हाँ सर है ना। तुम जो बोल रही हो मुझे उस पर विश्वास नहीं है। डॉक्टर से बात करवाना फोन पर। ओके सर। कल याद से वीडियो कॉल। सर मगर वो तो, अगर कल सुबह वीडियो कॉल नहीं आया तो तुम भी मत आना। जाओ जाओ जाओ। कितनी बार झूठ बोलोगे, कभी ना कभी तो भांडा फूटना ही था। तो लो आज फूट गया। अब मैं क्या करूं? अरे इसमें करना ही क्या है, जैसा तू हमेशा करती है बना ले किसी को भी डॉक्टर। पर एक बात बताओ, तुमने इंडियन डॉक्टर की जगह फॉरेन डॉक्टर क्यों बोला? बॉस को इम्प्रेस करने के लिए फ्लो में बोल दिया था। अरे डरती क्यों है, एक वीडियो कॉल की बात है ना, किसी को भी पकड़ लेना। ए फॉरेनर डॉक्टर कहाँ से लाऊंगी? ए तेरी ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकती हूँ, तो बोल चलेगी मेरे साथ? ए तू इतनी दूर तक मुझे इस भिखारी से मिलाने लेके आई है? भिखारी है तो क्या हुआ, फॉरेनर फॉरेनर ही होता है। चल। हाय आपकी मदद चाहिए। मतलब मदद चाहिए? हाँ हमें मदद चाहिए, क्या हम वहाँ जाकर बात कर सकते हैं? Yeah, sure. ये 500 रख लीजिए। No, I need 5,000 रुपीस। क्या कहा? 5,000 रुपए? थोड़ी देर में 50,000 का चेक मांगेगा। थोड़ा कम ज्यादा करके निपटा लेना। नहीं मुझे 5,000 रुपए चाहिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। पता है मैं यहाँ कितना कमाता हूँ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। इतनी अकड़, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, चल निकल। Get lost. तू चलो से जाने दे। इधर आओ, इधर आओ। अरे अब क्या कर रही हैं? बात क्या है? मुझे पहचाना ना, कल एक अंकल को चोट लगी थी, तुमने मुझे लिफ्ट दी थी। मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए, तुम्हें मेरे बॉस को बोलना है। हाय मैं डॉक्टर, क्या नाम है? अभिनव चंद्रन। ठीक है बहुत अच्छा। हाय मैं डॉक्टर अभिनव चंद्रन बोल रहा हूँ, बस इतना ही बोलना है। एक बार बोल के दिखाओ। हाय आई एम डॉक्टर अभिनव चंद्रन। एकदम सही बोला, बिल्कुल ऐसे ही बोलना है। अरे ये तुम क्या कर रही हो, मैं ये झूठ वूट नहीं बोल सकता। क्या कहा, झूठ नहीं बोल सकते? तुम्हारी वजह से झूठ बोलकर मैं इस मुसीबत में फंस गई हूँ। तुम्हें देखकर मैंने फॉरेन डॉक्टर बोल दिया, अगर कोई लोकल डॉक्टर बोलती तो मैं कैसे भी मैनेज कर लेती। कहाँ फंस गई, कुछ तो करना होगा। प्लीज, अरे प्लीज छोटा सा झूठ बोलना है, मैं डॉक्टर अभिनव हूँ बस इतना भी चलेगा प्लीज। ओके ओके बात कराओ। हाय सर, वो डॉक्टर इस वक्त मेरे साथ ही खड़े हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। फोन दो। हाँ सर अभी देती हूँ। हाय सर मेरा नाम अभिनव है। हेलो डॉक्टर कहो। और जैसा ये बता रही हैं मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। एक्चुअली उस दिन ये रोड पर एक एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प कर रही थी और इसीलिए इन्हें ऑफिस आने में देर हो गई। तो आपको इन्हें डांटने के बजाय इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। आजकल की इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता है। She's a very nice person. Nice person. तुमको तो सच बोलने का भूत सवार है। अरे बेटा यहाँ क्यों खड़े हो? कुछ नहीं मामा जी। तो चलो फिर। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, इतने दिनों में तुमने एक भी टारगेट अचीव नहीं किया है। जाओ यहाँ से। और हम कठपुतली है काम पर जो ना होती। ये अपनी दुकान है। ये क्यों आया? ये मेरा भांजा है, दुकान ये दोनों संभालेंगे, तुम बस इन पर नजर रखना। ए, इसका ख्याल रखना। हाय मेरा नाम अभिनव है। मेरा नाम सवर्णा है। नाइस टू मीट यू। हाय बाला है अभिनव। अच्छा वहाँ क्यों है, बैठिए। थैंक यू। अरे तूने उसको बैठने को बोला, वो अभी भी खड़ा है। अबे ये तो बैठ के भी खड़ा है। मैंने जो स्पीच दी वो इन सब के लिए थी, तुम्हारे लिए नहीं थी। ये लोग काम करते हैं, तुम्हारी तरह बहाना नहीं बनाते। जाओ। ए,
क्या समझते हो खुद को? राजा हरिश्चंद्र हो? झूठ नहीं बोल सकते क्या? तुम्हारी वजह से मुझे कितनी डांट पड़ी? What happened? ए, कौन है ये लड़का? हमारे छोटे से सेठ का बड़ा सा भांजा, अमेरिका से पढ़ के आया है। सच में? यकीन नहीं होता ना, शुरू में हमें भी नहीं हुआ था, पर क्या करें? वो सब छोड़ो, एक बात सुनो, अभी भी मौका है, सुधर जाओ वरना बहुत पछताओगे। सुनो, इसे पेपर में छिपा के देने की क्या जरूरत है? अरे ये इंडिया है भाई, यहाँ ऐसे ही चलता है। इस बार तो पक्का है, आप अपनी फैमिली के साथ जरूर बैंकॉक जाएंगे। अच्छा, सच में? सच कह रही हूँ सर, 52 इंच टीवी और आप सोफा पर बैठकर पॉपकॉर्न खा रहे हैं, सामने आईपीएल मैच चल रहा है, सोचिए कितना मजा आएगा। मेरे पास पहले से ही 72 इंच टीवी है। 72 है आपके पास? जी मैडम। सर, इस महीने का टारगेट सिर्फ आपके भरोसे है? यकीन नहीं होता कि खड़ू सेठ जी आपके मामा है। हाँ तो ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि उनको देखकर लगता है कि वो पहले तेल मालिश का धंधा करते थे और तुमको देखकर लगता है कि ऋतिक रोशन ना अमेरिका में जाके पैदा हो गया। तुम्हारी बातें हो गई हो तो अपने काम पे ध्यान दो। कुछ दो ना सर, अपने हाथ से इन्हें दे दीजिए। ऐसा क्यों? दान करने से पुण्य मिलता है। कौन का है? वो लंबा सा लड़का जो यहाँ खड़ा रहता है। अच्छा, वो ताड़ का पेड़, वो ज्यादा ही लंबा हो गया था तो कटवाने गया है। कोई मैसेज हो तो हम दे देंगे। शाना बन रहा है, जोक सुनने नहीं आई हूँ, जो पूछा उसका चुपचाप जवाब दे। सुनो, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी डांट पड़ी और तुमने एक सॉरी तक नहीं बोला मुझे। सॉरी? तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए मुझे। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस मेडिकल कैंप में वॉलंटियर हूँ। और तुम? मामा जी के साथ आया हूँ। कैसे हैं अंकल? मैं अच्छा हूँ। इतना शोर क्यों है यहाँ? सब खड़े क्यों हो? बैठो, सब बैठ जाओ, डॉक्टर को पता चला तो डांटेंगे। सिस्टर, ये लोग खड़े क्यों हैं? कोई काम नहीं करता। कविता सिस्टर, जरा बताओगी ये सब यहाँ क्यों खड़े हैं? सुनो, डॉक्टर जयंत से मिलना है। वेट कीजिए, वो आते हैं। ठीक है सिस्टर, सबको एक एक करके लाइन से अंदर भेजो। आप भी इंतजार कीजिए। अरे क्या हुआ, क्या हुआ इन्हें? माजी हटिए हटिए हटिए, हवा आने दीजिए, हटिए। क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, ये बेहोश हो गई। क्या हो गया? पता नहीं, बात कर रही थी, अचानक बेहोश हो गई। अंदर लेके चलो इन्हें। जी डॉक्टर, संभाल कर ले चलो। सर बोलिए। इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। इंस्पेक्टर साहब तो नहीं है, सब इंस्पेक्टर साहब हैं। कम बख्तों, खाम खा नींद खराब कर दी। सर, वो लड़की का मिसिंग केस था ना? आ तो आने दे, जाइए आप लोग। चलिए अंकल। आजकल 20 और 200 के नोट में कोई फर्क नहीं। इलाके से अभी अभी कार चोरी की रिपोर्ट आ रही है। काले रंग की इनोवा है। आज काफी गर्मी है, आइए बैठिए ना। आ बैठिए अंकल। हाँ तुम भी बैठ जाओ। चोरी की वारदात कल रात 10:30 बजे के करीब हुई है। गाड़ी का नंबर नोट कीजिए। क्या रे, L4C तूने तो बोला था कि तेरी एक ही बेटी है, फिर ये क्या घर के बाहर मुंह मारा था? एक्सक्यूज मी मिस्टर करुणाकरन, हद में रहकर बात कीजिए। क्या बात है, अरे रे 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 रे, हद में रहना तो मैंने बचपन में ही छोड़ दिया, ये लड़की तो सुपर से ऊपर है। बोल बे बुढ़ाओ। इन्होंने अपनी बेटी की लापता होने की कंप्लेंट की थी, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया। तेरी तारीफ। मैं इनकी बेटी की पुरानी फ्रेंड हूँ। सुन बे बुढ़ाओ, तेरी बेटी तो गांजा बेचने वाले के साथ भाग गई है और मजे कर रही है। ए, क्या नाम है उस गंजड़ी का? मनोहर सर। मनोहर। दोनों खाली हाथ नहीं भागे, अपने साथ 2 किलो गांजा लेकर 9-2-11 हो गए। साहब साहब, ऐसा नहीं हो सकता। अरे इसी लड़की ने मदद की है, तू पूछना। दोनों को बस में बिठा कर रफू चक्कर करा दिया। साहब ये सब आप क्या बोल रहे हैं? अरे ये दोनों मिलकर गांजे का धंधा करते हैं, बोले तो बिजनेस पार्टनर्स, गांजा बेचने का। ए, लड़की का बैग चेक कर। जी सर। अंदर रुक रुक रुक, अरे प्यार से, मैं चाहूं तो तेरे बैग में गांजा डाल कर तुझे अंदर करवा सकता हूँ, बोल निकल जाऊं। पर देख, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। वो क्या है कि
मैं ईमानदार पुलिस वाला हूँ, तेरी कसम। बस एक कमजोरी है मेरी, नया माल, भरपूर जवानी। सब माफ कर दीजिए, हम लोग जा रहे हैं। बैठा क्यों है? भाग यहाँ से। चलो चलते। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगी। मैं तुम्हें भी जानती हूँ और तुम्हारे इन तरीकों को भी। अच्छा? मेरे सवालों के जवाब सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे डिपार्टमेंट को देने होंगे। बोलिए। निकल। चलिए अंकल। चल जा यहाँ से। मैंने कहा था याद रखने के लिए। मेरा जवाब नहीं। ये लीजिए, बाहर दवाई की दुकान है, ये दवा आपको वहाँ से फ्री में मिल जाएगी। जाइए। हाँ, शुक्रिया। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ, डोंट वरी। भगवान आपका भला करे। नमस्ते डॉक्टर। अरे गोपी आओ बैठो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। क्या प्रॉब्लम है? आपको बताया था ना, ये मेरा अमेरिका वाला भांजा है। हाउ आर यू मैन? आई एम गुड डॉक्टर, थैंक यू। तो तुम यहाँ कब आए? बस कुछ ही दिन पहले। इसे हटा देता हूँ। सुनो, तुमने भी बाहर हेल्थ कैंप देखा ना? हाँ, वो हेल्थ कैंप डॉक्टर साहब का ही है, हर महीने अलग अलग एरिया में लगाते हैं, और यहाँ हॉस्पिटल में भी सिर्फ 50 रुपए फीस है, बाकी इंजेक्शन हुआ, दवाइयाँ हुई, सब फ्री में देते हैं। अरे अरे बस करो। मुझे पता है आपको तारीफ पसंद नहीं, लेकिन सच बताना भी उतना ही जरूरी है। वो सब बातें छोड़ो, हमारा गाँव पसंद आया? हाँ पसंद आया, बहुत अच्छा है। अभी अमेरिका में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब गोपी ने मुझे बताया है, फिक्र मत करो। किसी भी तरह की परेशानी हो तो तुम कभी भी मुझे याद कर सकते हो। ये लो मेरा कार्ड। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर अभी जो औरत यहाँ से गई थी वो कोई सीरियस बात नहीं है, बस लो बीपी था, नथिंग टू वरी। ओह दैट्स गुड टू नो। हाँ हाँ ठीक है, वो आएगी तो मैं उसे समझा दूंगी। हाँ आप चिंता मत कीजिए। हाँ वो आ गई, मैं बाद में बात करती हूँ। उतरा, रुको जरा। ये बताओ क्या तुम पुलिस स्टेशन गई थी एक आदमी के साथ उसकी बेटी की मिसिंग कंप्लेन लिखवाने? क्या हुआ दीदी? तुम्हारी इस हरकत की वजह से यहाँ दो आदमी आए थे, हम सबको जान से मारने की धमकी देकर गए हैं। तुम्हारे अलावा इस हॉस्टल में 30 और लड़कियाँ रहती हैं। तुम्हारी इस हरकत की वजह से आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर कोई धमकी देता भी है तो आपको उन्हें भगा देना चाहिए था या फिर पुलिस को बताना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये सब छोड़ के मुझे वार्न कर रही हैं। ऐसी हरकत करने से पहले सोच लिया करो तुम्हारे आगे पीछे कौन है, अपनी वजह से दूसरों को भी परेशानी में डालती हो। खुद का पता नहीं दूसरों की मदद करने चली है। हद है, क्यों पंगा ले रही है उन लोगों से? इस तरह का मामला बहुत रिस्की होता है। देख उतरा, इसके पीछे जरूर कोई साजिश है, तो थोड़ा ध्यान रख वरना मुसीबत में पड़ जाएगी। स्टॉप 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 स्टॉप। भैया गांधीनगर चलोगे? हाँ बैठिए। बेटी तुम रहने दो, हम इस केस को यहीं छोड़ देते हैं, वो सब इंस्पेक्टर बहुत घटिया आदमी है। अब तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा, मैं संभाल लूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं अंकल? नर्मदा का पता लगाने को कहा तो मुझ पर ड्रग्स केस डाल रहा था, और इस पर आप चाहते हैं मैं चुप रहूं? हम लोग और कर भी क्या सकते बताओ, मैं तो बस एक आम आदमी हूँ, मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ, कोई बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरी बेटी कोई फिल्म स्टार नहीं है जो कंप्लेन देते ही वो लोग तुरंत एक्शन लेंगे। हमें डरने की क्या जरूरत, पुलिस और कानून सबके लिए एक होता है। बेटा ये कोई अमेरिका नहीं है, यहाँ पर हम जैसे गरीबों की तकलीफ, उनका दर्द, यहाँ तक कि उनकी चीखें किसी के कानों तक नहीं पहुँचती। अगर कोई आपकी तकलीफ सुनने के लिए तैयार नहीं है तो उसे सुनने पर मजबूर कर देना चाहिए, हमारा आवाज उठाना जरूरी है। अमेरिका में तो लोग बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते हैं, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। हम इस वक्त कमिश्नर ऑफिस के बाहर खड़े हैं, यहाँ उत्तरा नाम की एक महिला पुलिस की कार्यवाही को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। उत्तरा ये प्रोटेस्ट क्यों कर रही है, आइए उनसे जानते हैं। तो बताइए उत्तरा, आप ये प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं?
से पकड़ना। उत्तरा हमें बताइए प्रोटेस्ट की वजह क्या है। हम ये प्रोटेस्ट उस बदतमीज सब इंस्पेक्टर करुणाकरण को नौकरी से निकलवाने के लिए नहीं कर रहे हैं। नर्मदा को अभी तक नहीं ढूंढा इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें सच जाना है, हमें इंसाफ चाहिए। जब तक वो उसे ढूंढ नहीं लेते हमें। करुणाकरण, पढ़ी लिखी लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? आजकल हर छोटी बात पे लोग प्रोटेस्ट करने सड़क पर उतर आते हैं। अब सर, लेकिन तुम अपना मुंह बंद रखो। कौन है ये उत्तरा? सर वो एक अनाथ लड़की है, ऑर्फनेज में पली बड़ी है। अभी मेडिक इंडिया फार्मा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करती है सर। सर उन दोनों लड़कियों के बीच कोई कनेक्शन नहीं? कनेक्शन नहीं है तो फिर क्यों वो मीडिया और कमिश्नर ऑफिस के चक्कर लगा रही है? सर बात यह है कि मुंह बंद रखो। अब क्या कर सकते हैं? 2 महीने से स्टेशन में कोई इंस्पेक्टर नहीं है। अगर आप परमिशन दे तो त्यागराजन को चार्ज लेने के लिए कह दें। बिल्कुल नहीं, पहले ही हमारे पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मुत्थू को बोलो कि वो चार्ज ले। लेकिन सर वो मेडिकल लीव पर है। नहीं नहीं, मुत्थू कृष्णन की मेडिकल लीव कैंसिल, उसको बोलो कि जल्दी ज्वाइन करे। उस लड़की के केस की मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। और तुम सर मुत्थू को पूरा सपोर्ट करोगे। मुझे एक भी कंप्लेन आई ना तो तुम्हारी नौकरी गई। ओके सर। आइए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैडम, आप कैसी हैं? मैं ठीक। आपकी तबीयत कैसी है सर? हाँ, वो है क्या? मिलना है उनसे मुझे। अजी सुनते हैं, सुनिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मेरी बात नहीं मानेंगे ना? अब क्या हो गया हा? अभी तो हॉस्पिटल से आए हैं, आप कुछ दिन और क्यों नहीं रेस्ट कर लेते? इतनी भी क्या जल्दी है? छोटा सा केस है, टेंशन क्यों ले रही हो? आप भी ना। चलो। कैसे हो बलराम? मैं ठीक हूँ सर। अरे बैठो ना। आप लोग बात कीजिए, मैं कॉफी बिना शक करती हूँ। लड़की का नाम नर्मदा है, गौरव हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। उस दिन हॉस्पिटल में ड्यूटी करके रात 11:30 बजे निकली पर घर नहीं पहुंची। अच्छी लड़की है, कोई बुरी आदत नहीं है। मैंने कई लोगों से पूछताछ की मगर कोई क्लू नहीं मिला। सर, सर। वेलकम सर। कैसे हो? फाइन सर। सर आप कैसे हैं? ठीक हूँ। आपके अंडर काम करने में बहुत खुशी होगी सर। सुना तुमने 2 महीने स्टेशन अपने कंट्रोल में अच्छी तरह संभाला था, कंग्रेट्स। थैंक यू सर। क्या चाहिए? सिस्टर को पहले दे दो। भैया सर दर्द का मलम देना। ये वाला? जी हाँ। क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? नहीं, नहीं, भाभी जी को दे दो। भाभी जी को? मुझे बुला रहे हैं क्या? ठीक है। ये रहा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस कॉन्डम, 80 रुपीज ओनली। एक पैर कबर में और इनको हल चलाना है। बदतमीज। हाँ? मैंने ये नहीं मांगा था। यही तो मांगा नहीं था? मैंने ये नहीं मांगा था। तुम लोग यहाँ नशा करके बैठे रहते हो क्या? तुम लोग को मेडिकल स्टोर नहीं दारू का ठेका खोलना चाहिए। अरे ये क्या क्या तुम्हें? सबके सामने कोई कॉन्डम देता है? सबके सबका दे। पर उसने यही तो मांगा था। ठीक है तो फिर बुलाते हैं उसको, डेमो दे के भी दिखा दे तू। भाई ये आपका अमेरिका नहीं अपना इंडिया है, ऐसी सब चीजें छुपा कर दी जाती है। आपने तो उस बुड्ढे की पोल खोल दी। पर ये तो सभी यूज करते हैं। अरे क्या हो गया? अरे चल 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 चल। अरे हटो 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 हटो। अरे कोई जल्दी से पानी लाओ। अरे आके बोलिए भाई साहब। अरे भाई कोई जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। अरे जल्दी। अरे आखिर इन्हें हुआ क्या है? ये अचानक बेहोश कैसे हो गए? अरे डॉक्टर क्या किसी ने कुछ देखा? ये कर क्या रहे? इन्हें दुकान में लेके चलो। हाँ जल्दी।
आपका शुगर लेवल ड्रॉप हो गया था, लगता है आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया। अपना ख्याल रखा करिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। टेक केयर। चलता हूँ मैं। क्यों भाई, अमेरिका में इंजीनियर को इंजेक्शन देना सिखाते हैं क्या? जरूर आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अरे हमने तो पूरी बोतल का टकली, इसने तो शुरू भी नहीं किया। पियो भाई। नो थैंक्स, मैं ड्रिंक नहीं करता। क्या बोला तू? तू ड्रिंक नहीं करता? ये अमेरिका रिटर्न अपनी दारू जेल नहीं पाएंगे। ए, हिंदुस्तानी खून है, कैसे नहीं जेल पाएगा? अरे हाँ। नारंगी चक्की तो देखो। नहीं नहीं, ए, तो रुक। देख भाई, तू डॉक्टर है, हमें पता चल गया। अब हम लोग ना मिल के एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोलेंगे। तू रहेगा ना तो फॉरेनर पेशेंट भी आएंगे। अमेरिकन रिटर्न क्लिनिक, वहाँ अजय जी गोरिया भी आएंगे। क्या झकास नाम है भाई, पैसा ही पैसा बरसेगा भाई। अरे नहीं, मैं सिर्फ एक रेजिडेंट डॉक्टर हूँ। अरे तू रेजिडेंट डॉक्टर हो, प्रेसिडेंट डॉक्टर हो या ट्रांसपोर्ट डॉक्टर हो, अपने हॉस्पिटल को फेमस होना मांगता है बस। पर मैं यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। क्या रे, यहाँ कौन प्रैक्टिस करने बोल रहा है? यहाँ तो तुझे बेवड़े ही मिलेंगे। हम जो हॉस्पिटल खोलेंगे ना तो उधर प्रैक्टिस। सही बोला। पहले मुझे एग्जाम देके सर्टिफिकेट लेना होगा, वरना ये इलीगल होगा। इलीगल होगा क्या रे? हमारे गांव में तो अंगूठा छाप लोग बड़ी बड़ी क्लिनिक चला रहे हैं। तुझे सर्टिफिकेट चाहिए क्या? और क्या, एक सफेद कोट पहनना है, गले में आला डालना है और बस पैसों की बारिश। तुम लोग मुझे गलत काम करने के लिए मत कहो। अरे इसमें गलत कुछ नहीं है, हमारे गांव में भी ऐसा ही एक हॉस्पिटल है। डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन फिर भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलकर मस्त पैसे छाप रहे हैं। मैंने भी अपना इलाज वहीं करवाया। ये जानते हुए भी कि वो एक फ्रॉड है? देखो भाई, अपने को इतना पता है, बाहर से हॉस्पिटल बड़ा दिखना चाहिए, फिर चाहे डॉक्टर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नर्स भी नो ब्यूटी ओनली ड्यूटी। इसीलिए मस्त आइडिया दे रहा हूँ, अच्छा बिजनेस है, खोल ले। तो चलो पर कल से नारियल फोड़ देते हैं। तुम दोनों कुछ ज्यादा ही पी चुके हो, बस करो चलो यहाँ से। अरे कहाँ जा रहा है, एक और खंबा लेके घर जाते ना पियेंगे। हाँ मंगा ले। लाइसेंस दिखा रहे। पॉकेट में क्या? कुछ नहीं साहब। पॉकेट में क्या है? निकाल। निकलता हूँ अभी। लग सब यहाँ। निकलता हूँ। ये लो, ये सर, बस इतना ही है। दूसरी पॉकेट। ए गाड़ी रोको। सब निकाल। साइड में लो, साइड में लो। अरे क्या हुआ? नहीं है सर। गाड़ी क्यों रोकी? सर तीनों ने फुल पी रखी है। क्या रे? बोलता है कि कुछ नहीं है, तो ये क्या सब तेरे बाप का माल है? हाँ? अपना फोन निकाल। सर मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, इन दोनों लड़कों ने पी रखी है। तू तो शक्ल से पियकर लगता है। बारह निकलता है कि नहीं? रख इधर। बाहर निकल। चल अब फूंक मार। मैं ऐसा नहीं करूंगा। देखो पहले तमीज से बात करना तो सीखो। मैंने कोई कानून थोड़ी तोड़ा है। सर ये बहस कर रहा है सर। क्या हुआ रे? रूल्स वूल्स की बात कर रहा है। यही खड़ा हो साहब, यही खड़ा हो। चल आजा आजा। अब ये डगलू कौन? सर फुल बॉटल पी के टाइट है, फूंक मारने को बोला तो रूल समझा रहा है। क्या रे, पुलिस से दादागिरी? अगर तमीज से बात की होती तो इनकी बात मानता। ये तो है ही बदतमीज। अपने आप को हीरो समझता है, हा? पुलिस वाले को तमीज सिखाएगा? मुंह सूंघा नहीं करूंगा। मुंह सूंघा अपना। समझ में नहीं आता क्या? नहीं करूंगा। बात मान। पहले तमीज से बोलिए। मुंह सूंघा। जब तक तमीज से नहीं बोलेंगे नहीं करूंगा। अच्छा तो तू नहीं मानेगा। ए काली मलाई। जी सर। इस बिगड़ैल हीरो को जरा थाने की सैर तो करा। ओके सर। वहाँ हीरो गिरी निकालेंगे। चलो सब जाके वहाँ खड़े हो जाओ। चलो जल्दी चलो। हेलो अभी कहाँ हो तुम? ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में पुलिस ने हमें पकड़ लिया है। तुम पी रहे थे? अरे मैंने नहीं, सरवन और बाला ने पिया। ठीक है चिंता की कोई बात नहीं, तुम उन्हें पैसे दो वो छोड़ देंगे। पर क्यों? देखो मैं ड्राइव कर रहा था और मैंने तो पी भी नहीं है। जानती हो पुलिस वाले कितने बदतमीज हैं, इन्हें बात करने की तमीज ही नहीं है। अभी मैं उसके सीनियर से बात करूंगा। ये तुम्हारा अमेरिका नहीं है, तुम बस पैसे दो और वहां से निकलो। मैं पैसे वैसे नहीं देने वाला। ठीक है मैं आ रही हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं डॉक्टर जयंत को कॉल करता हूँ। ठीक है जल्दी फोन करो। ओके। थैंक्स डॉक्टर। अभी
इन जैसे लड़कों के साथ रहकर अपनी रेप्यूटेशन खराब मत करो, ठीक है? ओके, थैंक्स, गुड नाइट। तीन दिन के लिए टैबलेट्स दे दीजिए। इतनी टैबलेट्स की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल सा बुखार है। नहीं नहीं नहीं, जो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी आप वही दीजिए। अरे दीदी, ये कोई ऐसा वैसा नहीं डॉक्टर है, दवाई लेके जाओ, ठीक हो जाएगा ये। देखिए, ये कोई लोकल डॉक्टर नहीं है, अमेरिका रिटर्न डॉक्टर है। ठीक है तो दे दीजिए। सर, ये हॉस्पिटल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज है, वो लड़की 11:33 को यहां से निकली थी और ये सीसीटीवी फुटेज वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर की है सर। अगर पैदल चलकर आती तो भी 15-20 मिनट में मेन रोड तक पहुंची जाती। बिल्कुल सर। मगर आई नहीं। जी सर। इस हॉस्पिटल के आसपास और कहीं कैमरा है? है ना सर, ये सीसीटीवी फुटेज हॉस्पिटल के ऑपोजिट वाली बिल्डिंग की है सर। रिवाइंड करो। नाउ प्ले। हाँ अच्छा, और अब हॉस्पिटल वाली फुटेज प्ले करो। उस ऑटो को यहाँ मेन रोड तक आने के लिए 10 मिनट लगने चाहिए। लगने तो चाहिए सर। सर, ऑटो तो मेन रोड तक आया ही नहीं। मतलब वो लड़की इस 2 किलोमीटर के दायरे में लापता हुई है। भवानी। हाँ बोल। मेरी बेटी के पेट में दर्द है, मैं जरा डॉक्टर जेम्स के पास होकर आती हूँ। डॉक्टर जेम्स के पास जाने की क्या जरूरत है, वो तो टेस्ट के नाम पर पैसा लूटता है। गोपी भाई के मेडिकल में कोई नया फॉरेन डॉक्टर आया है, उनके पास लेकर जाओ। सिर्फ एक ही टैबलेट में मेरा बेटा ठीक हो गया। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं वहीं जाती हूँ। हाँ हाँ। चलो बेटी। अपनी जीभ बाहर निकालिए। गुड। एक पैरासिटामोल का इंजेक्शन लेकर आओ जरा। ठीक है। कल रात को क्या खाया था आपने? सिर्फ एक डोसा खाया था डॉक्टर। कोई और दवाई वगैरह ली थी आपने? सिरदर्द की गोली खाई थी। ऑलराइट। माँ का फोन। बोलो माँ, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ बेटा, तुम दवाई टाइम पर खा रहे हो ना? माँ, मैं दवाई टाइम पर खा रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। बेटा तू अकेला है, अपनी तबीयत का ख्याल रखा कर। अरे माँ, अमेरिका रिटर्न डॉक्टर मेरे साथ हैं, मुझे कुछ भी हुआ तो वो मुझे बचा लेंगे। बेटा जरा डॉक्टर साहब से बात कराओ। मेरी माँ से बात कीजिए। हेलो। हाँ माँ जी। बेटा उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वो वहाँ बिल्कुल अकेला है, उसे टाइम पर दवाई देते रहना। तुम लोगों के भरोसे ही मैं यहाँ अपनी दुकान चला रही हूँ। आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं देख लूंगा। ठीक है बेटा, तुम सब अपना ख्याल रखना। भाई साहब, हमारे यहाँ अमेरिका रिटर्न डॉक्टर हैं, फीस नहीं लेते, सिर्फ दवाई के पैसे लेते हैं, सबको बता दीजिएगा। पक्का बताऊंगा। ये हुई ना बात। ये लो। अगला कौन है, आ जाओ। हाय, क्या हुआ तुम्हें? सुबह से इसके पेट में दर्द है। बेटा कल रात को क्या खाया था? छोले भटूरे। छोला भटूरा? तुम्हारे छोले खाने की नहीं, चॉकलेट खाने की उम्र है। हाँ हाँ, वो सब नहीं खाना चाहिए। हाँ। अब मैं तुम्हारा पेट दबाऊंगा, अगर दर्द हो तो बताना, ठीक है? दर्द हो रहा है। यहाँ? हाँ हो रहा है। यहाँ पर? यहाँ पर थोड़ा ज्यादा। यहाँ पर दर्द है? हाँ हो रहा है। यहाँ पर दर्द है? यहाँ पर भी दर्द हो रहा है। अभी? हाय। तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? मेरी माँ का सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं और उन्हीं के लिए मैंने इसकी पढ़ाई की। वो मेरी दुनिया थी और मैं उनकी। मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन, मेरी बेस्ट फ्रेंड, सब कुछ मेरी माँ ही थी। पढ़ाई पूरी करके मैं यूनिवर्सिटी में रेजिडेंट सर्जन की प्रैक्टिस कर रहा था। पेन हो रहा है अभी भी? हाँ बहुत हो रहा है। उस दिन के बाद से मुझे लगने लगा कि सब खत्म हो गया।
और उस दिन के बाद से मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी। बात को समझो अभिनव, जो भी हुआ वो एक्सीडेंट था। तुमने जरूर अपनी माँ को बचाने के लिए पूरी कोशिश की होगी। मैं तो यही कहूँगी, तुमने एक बेटे और एक डॉक्टर दोनों का ही फर्ज निभाया है। देखो अभी जो भी हुआ वो किस्मत की बात थी। तुम्हारी माँ का ये सपना था कि तुम एक डॉक्टर बनो, और तुम्हारा फर्ज है कि तुम उनका सपना पूरा करो। कल हर एक जिंदगी जो तुम बचाओगे उसमें तुम्हें अपनी माँ की परछाई दिखेगी, और मैं भी यही चाहूंगी कि तुम एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनो। क्या तुम जिंदगी भर यूं ही मेरा साथ दोगी? अरे जरा ठीक से पकड़, नहीं तो गिरा देगा तू। भाई इसका वजन तो मुझसे भी ज्यादा है। Hey, बाला, तुम ठीक हो? बाला, उठ जा, तुम संभालो इसे, मैं आ रहा हूँ। उठ, बाला, उठ, बाला, बाला, आँखें खोल, बाला, मैं हूँ, मैं। बाला, 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 हटो, हट जाओ, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बाला, तुझे कुछ नहीं होगा, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अचानक नीचे गिर गया और फिर दौरे पड़ने लगे। इसे डाइजोपैम का इंजेक्शन दिया है। क्या आप डॉक्टर हैं? अरे रे, क्या हो गया मेरे बाला को? माँ जी आप जरा रिलैक्स रखिए, चलिए इनको अंदर लेकर चलते हैं, चलिए जल्दी कीजिए, आइए आइए। सर प्लीज इनको समझाइए। मेरा क्या होगा बाला, उठ ना। आप सब लोग यहीं रुकिए, हम इनको अंदर लेकर जा रहे हैं, चलो जल्दी करो। माँ जी आप अंदर नहीं जा सकती, आप फिक्र मत करिए, उसे कुछ नहीं, बाला ठीक हो जाएगा। जी सर, ओके सर, सर आप जा सकते हैं। थैंक यू। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, प्लीज सीट। नर्मदा केस के बारे में आपके सब इंस्पेक्टर अपनी जांच कर चुके हैं। जानता हूं, मगर अब केस मेरे हाथ में है। अच्छा, तो क्या जानना चाहते हैं? उस लड़की के लापता होने के बावजूद आपकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आई। उस लड़की का बाप इस केस में पूरी तरह से इन्वॉल्व था, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, लड़की का कैरेक्टर कैसा था, उसके बारे में कोई कंप्लेन वगैरह? नहीं नहीं, वो अच्छी लड़की थी। जिस लड़की की शिफ्ट हर रोज 7:30 बजे खत्म होती है, वो उस रात को 11:30 बजे तक हॉस्पिटल में थी। डू यू नो व्हाई? सेकेंड शिफ्ट वाली लड़की का हस्बैंड उस दिन बैंगलोर जाने वाला था, तो उसने फोन करके कहा कि उसे आने में देर हो जाएगी।
So she called you to take the permission? I think so. ये तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड है जिस दिन वो लड़की लापता हुई 12 अगस्त तुमने अपनी सेकंड शिफ्ट की रिसेप्शनिस्ट के साथ शाम को 6:30 बजे फोन करके बात की थी। मेरी शिफ्ट 7 बजे की होती है लेकिन उस दिन एमडी ने फोन करके मुझे देर से आने को कहा था। हो सकता है वो लड़की झूठ बोल रही हो या फिर आपने उसे डराया धमकाया हो। नर्मदा केस से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। ओके थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। हेलो बाला कैसा है माँ जी? उसके बिना काम पर मेरा मन नहीं लगता है। अभी वो ठीक है बेटा, डॉक्टर ने कहा है वो 2 दिन में उसे छुट्टी दे देंगे। मैं उससे रात में मिलने आऊंगा। ठीक है बेटा आ जाना। उसका ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साहब देखिए ना बाला को क्या हो रहा है। मैं फटिया में देखता हूं। क्या हो रहा है मेरे बच्चे को? क्या हो रहा है सिस्टर? इसे नर्स यहां आओ। मेरे बच्चे को जल्दी शिफ्ट करते हैं। बाला सॉरी हम आपके बेटे को बचा नहीं पाए। लेकिन ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? कुछ देर पहले ही तुमने कहा था कि वो ठीक है। हमने अपनी पूरी कोशिश की थी। मेरे बेटे को तुम लोगों ने मार डाला है। आप जगह बना रहे हो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो खुश नहीं रहेगा। मेरी बतुआ है। मैं पुलिस लेकर आऊंगा। केस करूंगा इस हॉस्पिटल में। छोड़ो मुझे। हटो। ए जाता है। रुक। ए ए रुक। मेरे बेटे को मार दिया। मेरे बेटे को मार दिया। मेरे बेटे को मार दिया। हेलो अभी। अब बाला कैसा है? बाला हमें छोड़ के चला गया। बाला इस दुनिया में नहीं रहा। अभी क्या हुआ बेटा? बाला हमें छोड़ के चला गया। क्या बोल रहे हो? कब हुआ? हॉस्पिटल से अभी अभी उसकी बहन का फोन आया था। मगर तुमने तो कहा था वो ठीक है। पता नहीं अचानक क्या हो गया मामा जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, तुम और सर्वनाथ दोनों हॉस्पिटल चले जाओ। मैं कल तक पहुंच जाऊंगा। बाला नाम के एक युवक की गौरव हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके परिवार वालों ने बॉडी लेने से मना कर दिया और हॉस्पिटल पे लापरवाही का आरोप लगाया है। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं हमारे ग्राउंड रिपोर्टर मनोज से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद है। आज सुबह 11 बजे बाला नाम के युवक को गौरव हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, मगर इलाज के वक्त उसकी हालत बिगड़ने लगी और शाम के 6 बजे उसकी मौत हो गयी। बाला की मां का कहना है डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनके बेटे की मौत हुई और वो इसके लिए हॉस्पिटल पर मुकदमा करेंगी। इसके चलते बाला के परिवार और रिश्तेदारों ने हॉस्पिटल का घेराव किया। यहाँ ये सब क्या चल रहा है? इनका बेटा क्रिटिकल कंडीशन में लाया गया। अच्छा। हमने इलाज किया मगर उसे नहीं बचा पाए। अब ये लोग बॉडी ले जाने से मना कर रहे हैं। तुम लोगों को डॉक्टर ने बता दिया ना, आप जाओ यहाँ से। रुको रुको, ये क्या कह रहे हैं? हम क्यों जाएं सर? हमारे बाला को मार के बोलते हैं उसे बचा नहीं पाए और सवाल पूछो तो धमकाते हैं। शांत रहिए, बकवास मत करिए सर। इनको मार के भगाइए यहाँ से। देखो डॉक्टर ने तुम लोगों को बचा बता दी ना, तुम लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। चलो जगह खाली करो, चलो उठाओ। बाला के माता पिता का कहना है कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उनके बेटे की मौत हुई और वो इसके लिए हॉस्पिटल पर मुकदमा करने की सोच रहे हैं। इसी बीच बाला के रिश्तेदारों और हॉस्पिटल कर्मचारियों के बीच हाथापाई हो गई। क्या आपके हॉस्पिटल में गलत ट्रीटमेंट की वजह से बाला की मौत हुई? अगर उसको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी तो फिर उसकी मौत कैसे हुई सर? इन आरोपों को गलत साबित करने के लिए कोई सबूत है? वेट वेट वेट, लड़के का नाम क्या है? बाला। हाँ बाला, ये सच है कि उसे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी, पर ये भी सच है कि उसकी मौत का और हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। हमें पता चला कि उसे हॉस्पिटल लाने से पहले कोई इंजेक्शन दिया गया था। हेलो अभी। हेलो सर। हाँ बोलिए। कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में। इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर मत आना, यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हुआ सर? अच्छा होगा अगर तुम कुछ दिनों के लिए जाके कहीं छुप जाओ। डॉक्टर, हमें पता चला कि पेशेंट को हॉस्पिटल लाने से पहले उसे पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन दिया गया था। इस इंजेक्शन को डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, ड्रिप के जरिए देते हैं, वरना 5 से 6 घंटे के अंदर हार्ट बीट बढ़ने से पेशेंट की मौत के चांसेस रहते हैं। और इसमें भी यही हुआ।
हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है। पेरूर में रहने वाले बाला नाम के युवक की अचानक मौत से पूरे शहर में खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टोर में काम करने वाले अभिनव के दिए गए इंजेक्शन से उसकी मौत हुई है। पुलिस अपनी छानबीन में लगी हुई है और लगातार गवाहों से पूछताछ कर रही है। पेशेंट को हॉस्पिटल लाने से पहले उसे पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन दिया गया था। इस इंजेक्शन को डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, ड्रिप के जरिए देते हैं, वरना 5 से 6 घंटे के अंदर हार्ट बीट बढ़ने से पेशेंट की मौत के चांसेस रहते हैं। ये है बाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। देखिए, उसकी मौत का और हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। ये झूठ है क्योंकि मैंने बाला को वो वाला इंजेक्शन नहीं दिया था। ये लोग ऐसा झूठा इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकते हैं? बाला को मारा उन्होंने और इल्जाम इस पर लगा रहे। फिलहाल पुलिस से बचकर रहना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। अभिनव, तू यहाँ पर मत रुक, अमेरिका वापस जा। बाला का क्या, वो मेरा भी दोस्त था। उसकी मौत कैसे हुई है ये पता लगाए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। तू समझ नहीं रहा है, अभी हम चाहे उनसे जितना भी लड़ ले जीत नहीं सकते, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिस का कहना है कि वो अपने आप को अमेरिकी डॉक्टर बताकर लोगों का इलाज करता था और ज्यादातर पेशेंट। किसी भी तरह की परेशानी हो तो तुम कभी भी मुझे याद कर सकते हो। डॉक्टर जयंत, अभी अंदर आओ। बैठो बैठो। इंजेक्शन देने के लिए तुम्हें किसने कहा था? जानते हो ना तुम यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये इल्लीगल है, पता है ना? मुझे पता है, मगर डॉक्टर वो मेरा दोस्त था और एक डॉक्टर होने के नाते मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई। ये हॉस्पिटल वाले झूठ बोल रहे हैं। मैंने उसे डाइजापैम का इंजेक्शन दिया था और आप जानते कि वो बिल्कुल सेफ होता है। हाँ जानता हूँ कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इस शहर की नजर में तुम एक खूनी हो। डॉक्टर मैं बेगुनाह हूँ और मैं ये साबित कर सकता हूँ। हॉस्पिटल ने झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है, बाला का पोस्टमार्टम फिर से करवाना होगा। मैं देखता हूं। चिंता की बात नहीं। काम हो गया? एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। कैसी प्रॉब्लम? वो लड़का,
हमारे हाथ से निकल गया। जाकर पकड़ो उसे, नहीं तो ये वर्दी उतार दो और जाकर किसी कोठे पर धंधा करो। मुझे लगता है ये कोई मामूली केस नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। लगता है अपने पकड़े जाने के डर से वो लोग अब तुम्हें फंसाना चाहते हैं। मुझे लगता है नर्मदा के गायब होने का भी इस सब से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। मुझे पूरा यकीन है वो हमें मारने की कोशिश करेंगे। सलवा तुम जाकर घर में चेक करो। हाँ ठीक है सर। ये मेडिकल स्टोर कब खुलता है? ये बहुत दिनों से बंद है सर। बंद है? कितने दिनों से? उस लड़के की मौत के बाद से। कोई आता जाता है? नहीं सर, कोई नहीं आता। अच्छा ठीक है। सलवा घर में कोई मिला क्या? सर यहाँ घर पे तो ताला लगा हुआ है। लगता है सब भाग गए। इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर दो। ठीक से चेक कर लेना। सर एसपी साहब बुला रहे हैं। ठीक है आता हूँ। तुम लोग स्टेशन आ जाओ। सर मुथु कृष्णन, तुम्हारा डिपार्टमेंट सिर दर्द बन गया है। आखिर कर क्या रहे हो तुम लोग? मेडिकल शॉप वाला लड़का कहाँ है? यही है या फिर वो अमेरिका भाग गया? नहीं सर, वो कहीं नहीं गया है। उसका मामा, वहां काम करने वाला लड़का, उसकी वो गर्लफ्रेंड, वो चारों यहीं कहीं छिपे हुए हैं। और इनके अलावा उसकी मदद करने वाला और कोई भी नहीं है। वो मुझसे ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। अलगरम बाला की मौत गलत ट्रीटमेंट की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया है। ऐसा भी हो सकता है कि गलत मेडिसिन देने की वजह से उसकी मौत हो गई हो। हाँ हो सकता है। वैसे भी दुनिया में हर रोज हजारों मेडिकल क्राइम्स हो रहे हैं। मेडिसिन इज अ बिग बिजनेस टुडे। आजकल जो दवाइयां हम लोग यूज करते हैं वो बीमारियों को ठीक नहीं करती, बल्कि कई नई बीमारियों को पैदा करती है। बाला के साथ जो हुआ है हमें उसका पता लगाना होगा, लेकिन कैसे और कहां से शुरू करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौरव हॉस्पिटल की एक नर्स को मैं जानती हूं, तुम चाहो तो हम उसकी मदद ले सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट बिल्कुल ठीक था, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उन्हें डिस्चार्ज भी मिलने वाला था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत हो गई? हर रोज डॉक्टर 3:30 बजे राउंड पर आते हैं और उस दिन पेशेंट को चेक किया और कहा कि इंजेक्शन देना है। उनके इंजेक्शन देने के बाद ही पेशेंट की हालत क्रिटिकल हो गई। कौन सा इंजेक्शन था? पता नहीं, वैसे तो इंजेक्शन हम खुद ही देते हैं, लेकिन उस दिन डॉक्टर ने इंजेक्शन अपने हाथों से दिया। कौन सा इंजेक्शन है ये भी नहीं बताया, रिकॉर्ड में भी नहीं है। डॉक्टर का नाम क्या था? जय हिंद सर। बलराम सर चलो आ जाओ। सर नमस्ते। सर नमस्ते, बैठिए। सर ये क्या है? तुम्हारी लड़की के कॉल रिकॉर्ड्स, पिछले 2 महीनों में जिन लोगों से उसने बात की थी उसकी सारी डिटेल्स देख लो। जिस नंबर को सर्कल किया है जानते हो वो नंबर किसका है? नहीं जानता सर। वो नंबर गीता मेडिकल फाउंडेशन में काम कर रहे जगन नाम के एक लड़के का है। तुम्हारी बेटी अक्सर उस लड़के से फोन पर बात किया करती थी। क्या तुम्हारी बेटी और उस लड़के का कोई? नहीं सर, अगर ऐसा कुछ होता तो मेरी बेटी मुझे जरूर बता दी। 20 दिन से उस लड़के का भी कोई पता नहीं, हम पूछताछ कर रहे हैं। उसे नौकरी से निकाल दिया सर, हॉस्पिटल के ब्लड बैंक से चोरी करते हुए पकड़ा गया। एमडी ने उसे खुद नौकरी से निकाला। जगन उस लड़की से प्यार करता था, मगर वो चोरी कर सकता है इस बात को मैं नहीं मान सकती। मुझे मालूम नहीं सर, उसका कमरा बहुत दिनों से बंद था। उसका कोई दोस्त उसे ढूंढते हुए आया था? ऐसा तो कोई नहीं आया था, पर किसी लड़की से वो फोन पर बात करता रहता था। ठीक है, कुछ पता चले तो पुलिस स्टेशन में खबर करना। ठीक है सर। हो सकता है दोनों ने कहीं और जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली हो। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसे कोई लड़का पसंद होता तो मैं उसे कभी मना नहीं करता, और ये बात तो वो भी जानती है। ठीक है तुम जाओ, अगर हमें कुछ पता चला तो इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है सर।
सर, अगर वो मुझे पसंद नहीं करती हैं और इसलिए घर छोड़कर चली गई, तो इतना बता दीजिएगा कि वो कम से कम खुश तो है ना। मेरे लिए इतना ही बहुत होगा। एक मिनट रुकिए बलराम। सर, किसी से कहो इन्हें घर छोड़ दें। ओके सर। तुम अंदर कैसे है? सिक्योरिटी, नर्मदा कहाँ है बोल। तुझे उसी दिन मार देना चाहिए था। नर्मदा कहाँ है? कहाँ है नर्मदा? बोल, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, मार दूंगा। क्या किया बोल? कहाँ है नर्मदा? जवाब दे मुझे, बोल जवाब दे। कहाँ है नर्मदा? वरना मार दूंगा तुझे। जवाब दे, दे जवाब, वरना तू आज गया। जवाब दे। रुक। अपने हॉस्पिटल की तरफ से हम हेल्थ चेकअप कैंप चलाते हैं। हजारों लोग इस फ्री कैंप में अपना हेल्थ चेकअप करवाने आते हैं। हर एक कैंप में से कलेक्ट की गई मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास आती है। उन रिपोर्ट्स की मदद से इमरजेंसी के वक्त ऑर्गन डोनर्स को हम आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। शहर में अगर किसी भी हॉस्पिटल में खून की जरूरत हो तो वो हमें ही कांटेक्ट करते हैं। ऐसे ही एक दिन मुझे गौरव हॉस्पिटल से कॉल आया। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। एबी नेगेटिव डोनर्स डिटेल्स चाहिए। मैंने डिटेल्स भेज दी, उसमें नर्मदा की भी डिटेल्स थी। उस दिन रात के बाद उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ गई, कुछ भी पता नहीं चला। जब छानबीन की तो पता चला कि सिर्फ नर्मदा ही नहीं बल्कि जिन जिन की भी डिटेल्स मैंने भेजी थी उनमें से कोई भी नहीं था। उनके साथ क्या हुआ, वो कैसे लापता हुए, कुछ नहीं पता चला। सब इंस्पेक्टर से कंप्लेंट की मगर दूसरे दिन मुझ पर ही चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे नौकरी से निकाल दिया। यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की कोशिश की इन्होंने। इन दिनों हॉस्पिटल में हजारों लोगों की मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करके कोई बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। कोई बात तो जरूर है पर वो क्या है नहीं पता। अभी उस नर्स को फोन करो। ठीक है। हेलो। हाँ बोलिए। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब देना। चलो सब लोग लाइन में लग जाओ, जल्दी। हाँ, हाँ, जाओ। ठीक है। साहब आने वाले हैं, जो पूछेंगे उसका बिल्कुल सही सही जवाब देना, समझी? समझ गई साहब। सर, कुछ दिन पहले रात 11:30 से 12 के बीच एक लड़की इसी एरिया से लापता हुई थी। अगर किसी ने कुछ देखा हो या कुछ याद आए तो बताना। नहीं सर, इसे नहीं देखा। नहीं सर, नहीं देखा। अच्छी तरह देखकर बताओ। नहीं सर, नहीं देखा। इस लड़की को तो मैंने देखा है साहब। क्या वो यही लड़की थी? हाँ पक्का साहब, मैंने इसी को देखा था। ठीक से देखकर बताओ। हाँ ये वही लड़की है साहब। अरे कहाँ जा रहा है राजा? क्या राजा, तू तो अपनी रानी को भूल ही गया क्या? रे तेरा मन भर गया क्या मुझसे? ए चल जाने दे, दिखता नहीं कस्टमर बैठा है। अच्छा देखू तो। ए मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तू उधर क्या देख रही है, चल जा। ज्यादा भाव मत खा, निकल। वो ऑटो ड्राइवर कहाँ मिलेगा? साहब वो आपको आवड़ी रेलवे स्टेशन के पास मिल जाएगा। उसका नाम है राजा मणिकम। उसके ऑटो पे एक हीरोइन का फोटो लगा हुआ है। क्या नाम है उस फिल्म स्टार का? वो तो नहीं पता साहब, लेकिन कॉन्डोम के टीवी एड में आती है वो। सर सनी लियोनी लगती है। चलो
ये ब्लैक टी बना साहब के लिए, और ग्लास को बहुत अच्छे से साफ करना। इसे यहां रख दो, तुम जाओ। जी सर। हाँ, गया था भाड़ा लेने, मैडम ने कहा 2 मिनट रुको, पैसे लेके आती हूँ। अरे नहीं यार, रुका रहा 20 मिनट, 30 मिनट हुआ, आई नहीं मैडम। हाँ पर देखते हैं। यहाँ राजा मणिकम कौन है? आइए ना साहब, कहाँ छोड़ू आपको। यहाँ राजा मणिकम कौन है? क्या नाम बताया? राजा मणिकम। राजा मणिकम, इस नाम का तो कोई नहीं है भाई। अपने ऑटो स्टैंड में इस नाम का कोई है क्या? कोई नहीं है। हाँ। कोई नहीं है सर। ये किसकी फोटो है साहब? ये सनी लियोनी है। हाँ ठीक है, इस एरिया में प्रोस्टिट्यूशन कहाँ चलता है कुछ पता है? साहब क्या चाहिए आपको, मैंने बोल दिया ना यहाँ कोई नहीं है। अरे भाई मुझे बच्चों को लेने स्कूल जाना है, मैं चलता हूँ। ए, ए, मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ ना बलराम। सर, ए, रुक। मेरा काम सिर्फ लोगों को उठाना था, वो लोग फोन में फोटो भेजते थे। उन्हें कब और कहां उठाना है उसका मैसेज आता था, फिर ऑटो में एक कवर के अंदर पैसा और लोगों को बेहोश करने वाली दवा होती थी सर। इसके अलावा मैं सच कह रहा हूं कुछ नहीं जानता सर। कौन सी दवा? पता नहीं सर, ऑटो में रखी है। किडनैप करके लोगों को कहां ले जाता था? बीच रास्ते में एक गाड़ी आती थी, उसमें उन्हें लेकर जाते थे। उन्हें कहां लेकर जाते थे, क्या करते थे, ये सब मुझे नहीं पता साहब। कौन सी गाड़ी, उसका नंबर क्या था? पता नहीं साहब, हर बार एक नई गाड़ी आती थी। मैसेज कौन से नंबर से आता था? इस नंबर से सर। लगा नहीं था कि वो ऑटो ड्राइवर उनके हाथ लग जाएगा। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया ना तो कोई नहीं बचेगा, एक के बाद एक सब पकड़े जाएंगे। हम अपनी गलती की वजह से ही इस प्रॉब्लम में, उस दिन उस इंस्पेक्टर को मार दिया होता तो। उस ऑटो वाले के साथ कांटेक्ट में कौन है? वीरा, खत्म कर दो उसे, ये झंझट और नहीं चाहिए। और जहां तक बात रही उस इंस्पेक्टर की, तो उसे मैं संभाल लूंगा। सिर्फ इंस्पेक्टर हमारी प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल शॉप वाला लड़का, जब तक वो बाहर है हमें खतरा है। सही कहा, हम लोग यहाँ टेंशन में हैं और वो लोग बाहर मजे से घूम रहे हैं। उस दिन बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई मैंने। तुम्हारा वो हेड कांस्टेबल बलराम और वो अभी दोनों मिले हुए हैं। अच्छी तरह जानता हूँ, उस पर नजर है मेरी, जिस दिन पकड़ने आएगा तो मसल के रख दूंगा। हेलो सर, कन्नन बोल रहा हूँ। सर जो कॉल आया था वो कोयम्बटूर आरएसपुरम टावर से आया था। अच्छा, कोयम्बटूर। जी सर। ओके। एक कॉफी ले आना। कैसे हो बेटा? वहां तो तुम्हें कोई आपकी कॉफी, वहां तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? थोड़ा संभल के रहना, रखता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना।
उस नर्स को फोन करो। हाय। ये उन लोगों के डिटेल्स हैं जिनके ऑपरेशन पिछले 2 महीनों में हमारे हॉस्पिटल में हुए हैं। सिर्फ बाला ही नहीं, उसके जैसे 2-3 और पेशेंट्स हैं जिनकी मौत बिना किसी वजह हो गई। इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप इन्हें ठीक से पढ़ लीजिएगा। थैंक्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर? मुझे अपनी फैमिली की चिंता है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम डरो मत। उतराइए लो। पता मार मार के खाल उधेड़ दूंगा। पता कहाँ है तेरा भांजा? पता बताता है कि नहीं? छुपाता है, पुलिस वाले से छुपाता है। पता पता बोलता है कि नहीं? वो लोग कहाँ हैं ये उसके बारे में जानता है। एक पड़ेगी तो सब बोलेगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते क्या? बोल तेरी। बलराम। जी सर। उसे अंदर लेकर आओ। ओके सर। बोल। आओ चलो। क्या आप भी सर? इसकी तो बैठ जाओ। पानी पियोगे? बलराम ये सब मुझे नहीं सुनना। वो एक खूनी है, कहां छुपकर बैठा है बताओ। सर अक्यूज कहां छुपा है पता चल गया सर। कौन सा एरिया? जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ है, इसे छोड़कर कहीं और मत जाना। तुम्हारे फोन को ट्रेस करके इस लोकेशन का पता लगाया है। ठीक है, ध्यान रखना। कंट्रोल रूम से कन्नन बोल रहा हूँ सर। एक फोन नंबर दे रहा हूँ, उसे ट्रेस करो। बताइए सर। 9290117666। हमारे स्टेशन में भी 2-3 मिसिंग केस पेंडिंग है सर, हमने छानबीन की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिस दिन बाला की मौत हुई उसके ब्लड ग्रुप से मैचिंग उसी हॉस्पिटल में एक पॉलिटिशियन का 2 घंटे बाद किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। लेकिन रिपोर्ट्स तो सारी लीगल है अभी, और एक किडनी तो उसकी वाइफ ने डोनेट की। रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है। अच्छा हुआ साहब जल्दी ठीक होकर वापस लौट आए। ए रुको, कहाँ जाना है? हम हॉस्पिटल से आए हैं, सर से मिलना है। कौन है? हॉस्पिटल से कुछ लोग आए हैं। ठीक है उन्हें आने दो। हाँ ठीक है जाइए। जी बोलिए। आपके हस्बैंड की अभी तबीयत कैसी है? वो ठीक है, उनका किडनी ऑपरेशन हुआ है। हाँ। उनका ख्याल रखिएगा, इस हालत में उनके लिए ज्यादा ट्रैवल करना ठीक नहीं होगा। ठीक है। आपके हॉस्पिटल में होने की वजह से ही सही टाइम पर किडनी मिल गई। आज मेरे डैड आप लोगों की वजह से ही जिंदा है। तुम्हारी बेटी अक्सर उस लड़के से फोन पर बात किया करती थी, तो इतना बता दीजिएगा कि वो कम से कम खुश तो है ना? पिछले 2 महीनों में बाला की मौत जिस हॉस्पिटल में हुई उसी हॉस्पिटल में इन 3 लोगों की भी मौत हुई है, लेकिन इनकी मौत क्यों और कैसे हुई कोई नहीं जानता। एक्सीडेंट के बाद हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था,
ट्रीटमेंट के बाद तो वो अच्छा हो गया था, मगर पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया। कुछ महीनों पहले आपने हेल्थ चेकअप करवाया था? हाँ मैडम, करवाया था। पेट दर्द के लिए हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया था। डॉक्टर ने कहा उन्हें अपेंडिक्स है और जान बचानी है तो ऑपरेट करना होगा। कोई सवाल करने वाला नहीं है, इसीलिए हम जैसे लोगों को मारकर अमीरों की जान बचाकर वो लोग पैसे कमा रहे हैं। उन्हें कब और कहां से उठाना है उसका मैसेज आता था। इस नंबर से सर, इसका नाम वीरा है। वीरा किडनी चोरी के केस में 2 साल पहले ही जेल जा चुका है। सर, हमने वीरा का नंबर ट्रेस कर लिया है। आखिरी बार उसका सिग्नल रायपेटा टावर के पास से मिला था। फिलहाल 2-3 दिन से उसका मोबाइल स्विच ऑफ है सर। जब वो ऑन करेगा हम उसे ट्रेस कर लेंगे सर। तो जगन के दिए हुए डिटेल से ये पता चलता है कि नर्मदा को किडनैप किया था और उसी रात उसी हॉस्पिटल में सेम ब्लड ग्रुप के एक पेशेंट मुत्तू कृष्णन। रिपोर्ट देखो, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। ये देखो, 2 महीने पहले भास्कर नाम के आदमी का एक्सीडेंट हुआ था और उसका हार्ट ही इन्हें ट्रांसप्लांट किया गया। रिपोर्ट में तो यही लिखा है। आपको पता है कि मैकेनिक भास्कर का घर किधर है? आगे जो वैन खड़ी है वहाँ से लेफ्ट जाइए। क्या आपके पति की मौत गौरव हॉस्पिटल में हुई थी? जी हाँ मैडम। क्या उन्होंने अपना अंग दान किया था? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। ये बिल्कुल सच है सर, गौरव हॉस्पिटल में हर महीने तकरीबन 5 ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। जिस भी पेशेंट को उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है उसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए मार दिया जाता है। फ्री हेल्थ कैंप की आड़ में वो लोगों से उनकी डिटेल्स कलेक्ट करते हैं और फिर डोनर्स को किडनैप करते हैं। ये सब इलीगल तरीके से चल रहा है और इसे लीगल बनाने के लिए फेक ऑर्गन डोनर्स क्रिएट किए गए हैं और उनका पूरा कच्चा चिट्ठा इस फाइल में मौजूद है। कमिश्नर के पास हमें जाना ही होगा। आप लोग जल्दबाजी मत कीजिए, इंस्पेक्टर एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। तुम्हारे पास जो एविडेंस है वो हम उन्हें दे देंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ओके सर। बोलो क्या हुआ? सर, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट का ऑर्डर है, उसे 10 किडनी अर्जेंट चाहिए। 1 किडनी की 4 लाख में डील हुई है, मैंने हाँ कर दी है। ओ, 10 किडनी, वो भी 40 लाख में? हाँ सर। बहुत बड़ी डील है। कैसे हो जगन? मणि, तुम सिर्फ डील करते हो पर पता है ना उसका प्रोसेस कितना लंबा होता है। डैनी, पहले तो क्लाइंट के लिए एक ऐसा मैच सिलेक्ट करना पड़ता है जो सही हो और वो हेल्दी भी होना चाहिए, फिर प्लान करके उसे किडनैप करना पड़ता है और ये सब पुलिस और मीडिया की नजरों से बचकर करना पड़ता है, फिर उसे किडनैप करके यहाँ लाना पड़ता है, तब डील पूरी होती है। वो सब छोड़ो, अपनी किडनी का क्या दाम लगाओगे? 4 लाख या फिर 13 लाख? डैनी, सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अनजाने में हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। 1 किडनी 13 लाख रुपए के हिसाब से 10 किडनियां बेची हैं, 1 करोड़ 30 लाख की डील है, उसमें से 30 लाख एडवांस ले चुका हूँ, बाकी के 1 करोड़ चाहे तो आप रख सकते हैं। सर सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे मत मारिएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं विनती करता हूँ सर, प्लीज सर। वीरा का क्या हुआ? वो हाथ आया या नहीं? वैसे वो इंस्पेक्टर मुथू ने उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ लिया है, वीरा जानता है हम उसे नहीं छोड़ेंगे, शायद इसीलिए भाग गया वो। वैसे मैंने उसका नंबर ट्रेस करवाया, इस वक्त चेन्नई में, क्या करना है उसका? वो मुझ पर छोड़ दो। तुम यहीं पर रुको, मैं भी आया। जी सर।
क्या आपने एविडेंस इंस्पेक्टर को दे दिए? अभी तक नहीं दिए। मत दीजिएगा। क्यों? फोन पर नहीं बता सकता। ठीक है, मैं तुमसे आकर वहीं मिलता हूँ। बलराम, पकड़ो उसे। वीरा, वो लड़की कहाँ है? क्यों उठाया था उस लड़की को? आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे कुछ जानते ही नहीं। आपके लिए ही तो उस लड़की को उठाया था, आपकी जान बचाने के लिए सर। बेटी शांत हो जाओ, रो मत। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुट्ठू को कुछ भी नहीं होगा, तुम बस हिम्मत रखो, वो जल्द ठीक होकर घर आ जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो। आपके हस्बैंड की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, अब हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। जान बचानी है तो जल्दी से जल्दी हार्ट ट्रांसप्लांट करना ही होगा। जितनी जल्दी हो सके हमें मैचिंग हार्ट ढूंढना होगा। पिताजी, मत रो बेटी, मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, आप बस उसे ठीक कर दीजिए। सर, आप तो पैसे खर्च कर देंगे मगर मैचिंग हार्ट भी तो मिलना चाहिए, ये सब इतना आसान नहीं होता। तो क्या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है मगर लीगल तरीके से नहीं। अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो ब्लैक मार्केट से लेना होगा। पिताजी, कुछ कीजिए ना पिताजी। बेटी हिम्मत से काम लो। डॉक्टर साहब, क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ? हाँ, जाइए ना। आप इंतजाम कीजिए, मैं पैसे ले आऊंगा। कोशिश करता हूँ। ठीक है। देखिए, आपको मैचिंग मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा रेट ज्यादा लगेगा। आप पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, जल्दी से दूसरे हार्ट का इंतजाम कीजिए। अगर ऐसी बात है तो चलिए ठीक है। हेलो। हाँ वीरा, बोलो। ए बी नेगेटिव में? ए बी नेगेटिव स्टॉक में नहीं है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। ठीक है, मैं कहीं और कोशिश करता हूँ। ए बी नेगेटिव चाहिए, वो तो मिलना मुश्किल है। क्या कहा, नहीं मिलेगा? देखो अपने कॉन्टैक्ट्स में चेक करके बताओ। भाई, ए बी नेगेटिव बहुत रेयर ग्रुप है, मिलता ही नहीं है। ऊपर से अब तो पुलिस वालों का लफड़ा भी बढ़ गया है, आजकल पहले जैसे डोनर्स भी कहाँ मिलते हैं। अरे भाई, आपको तो मेन आइटम चाहिए, इतनी जल्दी ये मिलना बहुत मुश्किल है। ऊपर से ये ब्लड ग्रुप भी रेयर है, पुलिस भी वैसे परेशान करके रखी है। ओ, ए बी नेगेटिव, वो तो मिलना थोड़ा मुश्किल है। अरे बहुत कोशिश की, मिल रहा है। मैचिंग नहीं मिल रहा। कहीं भी नहीं मिला? नहीं सर। जयंत, मैचिंग नहीं मिला। ओहो, पार्टी कौन है? पार्टी कौन है, कितना दे सकती है? पार्टी 70 से 80 लाख दे सकती है सर। जयंत, 70 से 80 लाख दे सकती है। तो प्रॉब्लम क्या है? बातों में टाइम वेस्ट मत करो, कहीं पेशेंट मर ना जाए। ठीक है, समझ गया, पार्टी से बात करो। नहीं बेटी, तुम बैठो। देखिए सर, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैचिंग हार्ट नहीं मिल रहा। शांति, चिंता मत करो, मैं हूं ना। अगर आप थोड़ा और रेट बढ़ाएं तो मैं कोशिश करूं। इंतजाम हो जाएगा बेटी। देखिए, अगर आप 80 लाख तक करें तो शायद कुछ हो सके। मैंने आपसे कहा ना, पैसों की चिंता मत कीजिए, कल सुबह तक आपको पैसे मिल जाएंगे, आप बस उसे ठीक कर दीजिए। समझ गया सर, ठीक है। हेलो डॉक्टर, ए बी नेगेटिव डोनर्स के डिटेल्स चाहिए। ओके डॉक्टर, चेक करके बताता हूँ। नए रिकॉर्ड में तो कोई भी नहीं है, पुराने रिकॉर्ड चेक करके आपको कॉल करता हूँ। डू इट फास्ट। ओके। मैंने आपको ए बी नेगेटिव डोनर्स की डिटेल्स भेज दी हैं, लेकिन डॉक्टर, हाँ, उसमें से एक डोनर आपके हॉस्पिटल में ही काम करती है। कितना मैच हो रहा है? 95% कंपैटिबल है, परफेक्ट मैच। हेलो,
हमें डोनर मिल गई है लेकिन अपने हॉस्पिटल की एम्प्लॉई है। 80 लाख का सवाल है, इसमें सोचना क्या है? उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मिडिल क्लास फैमिली से, बाप के साथ रहती है। अब ज्यादा सोचो मत, उठा लो। अरे कहाँ है तू? बस पहुँच ही रही हूँ। 8:30 बोला था, 11:30 हो गया। पापा का फोन मुझे बार बार आ रहा है, तुम जल्दी आना। अरे आ रही हूँ। पिछले 2 घंटे से तू मुझसे यही बोल रही है। कहाँ तक पहुँची? बस अंदर आ गई। यहाँ देखो, जल्दी आ। सॉरी डियर, कोई बात नहीं, लेट हो गई। चल मैं निकलती हूँ। बाय, यू टेक केयर। बाय, सी यू। जान बचाएंगे। अगर पता होता तो भी मैं उन्हें ये करने से नहीं रोकती, क्योंकि आपसे ज्यादा जरूरी इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर अगर सच पता चल जाएगा तो क्या होगा? ये गलत है, एक पुलिस वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी नौकरी जा सकती है, मुझे जेल हो सकती है। सुनिए, जब तक मैं जिंदा हूँ आप पर कोई आंच नहीं आएगी, और इस बात को सिर्फ आप जानते हैं। किसी को मत बताइएगा। हमारा बेटा आने वाला है, आप चाहते हैं मैं उसे ये कहूँ कि उसका बाप जेल में है? आपसे मेरी विनती है, किसी से कुछ मत कहिए। माफ करना, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि हमारे इंस्पेक्टर ऐसा गलत काम कर सकते हैं। अब हम इस एविडेंस को कमिश्नर को सौंप देंगे। अब इसकी जरूरत नहीं है, अगर डिपार्टमेंट के लोग ही इसमें शामिल हैं तो कमिश्नर क्या कर सकते हैं? बस इस केस को दबा देंगे, आप तो सब जानते हैं सर। मीडिया की मदद लेते हैं, लोगों के सामने इन्होंने मुझे फ्रॉड डॉक्टर बोला था, उसी जनता को बताएंगे कि कौन फ्रॉड है और कौन है असली खूनी। हाँ, ये सही कह रहा है, मैं एक मीडिया वाले को अच्छी तरह जानता हूँ, वो ये काम करेगा, मैं उससे आज ही बात कर लेता हूँ। फिलहाल ये तुम अपने पास ही रखो। अंदर आइए, बैठिए। कॉफी चाय कुछ लेंगे? शांति, इनके लिए कॉफी लेकर आओ। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? कोई है, इन्हें बचाइए। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। छोड़ दो इन्हें। मेरी बेटी को वही रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ बोल। हाँ ठीक है, टेंशन मत ले, काम हो जाएगा। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों मारा उस लड़की को? ये जान बचाई है हमने तेरी, वरना फोटो पे माला चढ़ी होती। छोड़ वो सब, तूने हमें पैसा दिया, हमने तेरी जान बचाई, हिसाब बराबर। अपने लालच के लिए मुझे क्यों खूनी बनाया? पैसों के लिए और कितने मासूमों को मारा है तूने? अरेस्ट कर लो इंस्पेक्टर, अब तो हमारा राज भी जान चुके हो, तो अरेस्ट कर लो। अगर तुम इतने ही ईमानदार हो तो उसी दिन एक्शन क्यों नहीं लिया जिस दिन ये बात पता चली? सर, अगर हम लोग जेल गए तो आपको भी साथ आना होगा, समझे? क्योंकि आपके दिए हुए पैसे और आपकी मर्जी होने के बाद हमने उस लड़की को उठाया और उसका दिल आप में लगा दिया। आसान है इंस्पेक्टर, ये कोर्ट मीडिया हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। हॉस्पिटल को ताला लगाकर सील भी कर दिया तो 2 ही महीने में हमारा काम कहीं और शुरू हो जाएगा। हमें और हमारे पूरे नेटवर्क को कोई आंच नहीं आएगी।
लेकिन इंस्पेक्टर मुत्तू भी इसमें शामिल है, ये लोगों को पता चल गया तो पता है क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और तो और बदनामी की वजह से परिवार के साथ सुसाइड करने का ख्याल भी आएगा। सुना है बाप भी बनने वाले हो, सोच लो एक बार। अब इस काम में तुम भी हमारे साथ शामिल हो, वी आर इक्वल्स, तो फिर मिलाओ हाथ, सोचते क्या हो इंस्पेक्टर। पहले इसे अच्छे से पढ़ लो, बाद में साइन करना। ठीक है सर। कुमार, वो चाइल्ड अब्यूज के केस का क्या स्टेटस है? सर, उसका बचना मुश्किल है। अच्छा, लोगों ने उसको बहुत मारा है। आप पढ़िए, मैं आता हूं। हेलो सर, मैंने बॉस से बात कर ली है, उन्होंने कहा है शाम के 6 बजे आपकी स्टोरी चला सकते हैं। ओके सर, एक और बात, आप 4 बजे तक चैनल में सारे एविडेंस भिजवा दीजिएगा। लेट मत करिएगा सर। हाँ, मैं भेज दूंगा। ओके सर, बाय। हेलो, अभी आज शाम 6 बजे की न्यूज में अपने हॉस्पिटल कांड का खुलासा होने वाला है, हमारे पास जो भी एविडेंस है उसे 4 बजे तक न्यूज वालों को पहुंचा दो, समझ गए? ओके सर। हो जाएगा ना? हाँ सर। ये एविडेंस ले जाकर चैनल को दे दो। ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर एविडेंस देकर आती हूँ, कुछ हो तो फोन करना। तुम जाओ, इसके साथ रहना। चलो सर। जस्ट बी केयरफुल। हाँ बोलो उत्तरा। अभी मैं आधे घंटे में चैनल पहुंचने वाली हूँ, तुम ऐसा करो एविडेंस लेकर वहां से निकल जाओ। हाँ ठीक है। अभी मैंने एक बड़ी गलती की, तुम्हें सीरियसली नहीं लिया। देखो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, सिंपल डील करते हैं। अभी इसी वक्त तुम्हारे सारे केस मैं हटवा सकता हूँ। जो लोग तुम्हें फ्रॉड डॉक्टर कहकर बदनाम कर रहे थे वही तुम्हें बेस्ट डॉक्टर कहेंगे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस मामले में हमारा नाम सामने ना आए। अगर लोग मुझे फ्रॉड कहें मुझे परवाह नहीं, लेकिन तुम लोगों की करतूतें लोगों के सामने मैं लाकर ही रहूंगा। ये सब बिजनेस है। अभी एक इंसान अपनी किडनी मुझे सिर्फ 5,000 में देता है और वही किडनी मैं 5 लाख में बेच देता हूँ। तुम्हारी नजर में वो आदमी मिडिल क्लास है, गरीब है, पर मेरे लिए वो करोड़पति है। अभी तक तो तुम इंसान की जान के साथ ही बिजनेस करते थे, लेकिन अब तो तुम लोग उसके शरीर को भी नहीं छोड़ते हो। भाषण अच्छा देते हो, अपने गिरेबान में झांक कर देखा है? तुम जैसे कई लोग ऑर्गन डोनेट करने के बारे में सिर्फ सोचते हैं, पर ये बताओ आखिर कितने हैं जो करते हैं? पैसे लेकर ही सही, मैं अमीरों की जान तो बचाता हूँ, दैट्स ऑल। अरे जयंत, इससे बात करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? इसे मार के खत्म करो, अब और ड्रामा नहीं चाहिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। अभी तो क्या सोचा है तुमने? मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा? तुम्हारे पास जो एविडेंस है उससे डॉक्टर जयंत का कुछ नहीं होगा। अगर हमें उसे सजा दिलानी है तो कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए, उसका मुंह खुलवाना होगा। गन नीचे कर। हम्म।
सर आप ठीक तो हैं? सर चेन्नई के गौरव हॉस्पिटल में इलीगल ऑर्गन डोनेशन रैकेट का एक बड़ा मामला सामने आया है। इसके चलते गौरव हॉस्पिटल के तत्कालीन सीईओ लक्ष्मण कुमार और गीता मेडिकल फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर जयन दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन पर आरोप है कि ये ऑर्गन्स के लिए लोगों को किडनैप करके उन्हें मारते थे। इसी सिलसिले में पुलिस ने डॉक्टर जयंत का एक ऑडियो क्लिप एविडेंस के तौर पर रिलीज किया है। ये सब बिजनेस है अभी। एक इंसान अपनी किडनी मुझे सिर्फ 5,000 में देता है और वही किडनी मैं 5,00,000 में बेच देता हूँ। तुम्हारी नज़र में वो आदमी मिडिल क्लास है, गरीब है, पर मेरे लिए वो करोड़पति है। पुलिस का कहना है गौरव हॉस्पिटल में इलीगल ऑर्गन डोनेशन कैंप पिछले काफी सालों से चल रहा था। हमें अपने सूत्रों से जानकारी मिली कि पोरूर के रहने वाले बाला, जो कि एक छोटी सी मेडिकल शॉप पर काम किया करते थे, उनकी किडनी XML नटराजन को ट्रांसप्लांट की गई। वहीं दूसरी तरफ अंबातुर में रहने वाली नर्मदा का हार्ट इंस्पेक्टर मुत्तु कृष्णन को ट्रांसप्लांट किया गया। कांचीपुरम के रहने वाले उदय की आंखें महाराष्ट्र के मिनिस्टर अरुण को ट्रांसप्लांट की गई। तिरुवन मयूर की रहने वाली मंजुला का हार्ट लंदन की एरिका को ट्रांसप्लांट किया गया। तिरुवल्लूर के रहने वाले रुपेश की किडनी अमेरिका में रहने वाली NRI सिंधुजा को ट्रांसप्लांट की गई। इस पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का कहना है कि सब इंस्पेक्टर करुणाकरन और इंस्पेक्टर मुत्तु कृष्णन जो इस केस में शामिल थे उन पर इंक्वायरी के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए। बाला मेडिकल फाउंडेशन। अच्छा, बड़े डॉक्टर तो 8 बजे के आसपास आते हैं। मैम, अगर आप हमारी कंपनी की मेडिसिन सजेस्ट करती हैं तो हमारी तरफ से आपको फैमिली टूर पैकेज मिलेगा। फैमिली के साथ जाना है या फिर फ्रेंड्स को लेकर भी जाया जा सकता है? आप किसी को भी ले जा सकती हैं। ओके ओके, क्या है ना, मेरे डॉक्टर हस्बैंड है ना, बहुत बोरिंग टाइप के हैं, इसलिए। देखो वो आ गए। हाय। लोगों को फ्री ट्रीटमेंट की जरूरत है, डॉक्टर को फ्री की जरूरत नहीं। अगर आपकी मेडिसिन अच्छी क्वालिटी की होगी तो हम उसे खुद ही सजेस्ट करेंगे।